आपको जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये तो कैल्सिफाइड टेंडन हो गया, यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है, और क्लेविकल है, तो क्लेविकल में है पोस्ट्रो एंटेरियर इरेक्ट व्यू, तो ये दो चीज़ है, पोस्ट्रो एंटेरियर इरेक्ट व्यू है, उसके बाद स्कैपुला है हुआ, तो यहाँ पर कुछ एनाटॉमी है, इसके बारे में हम चर्चा कर दिया था, लेकिन फिर भी हम एक बार और कर देते हैं, क्योंकि क्लेविकल को पढ़ना है तो क्लेविकल को समझ लीजिए, ठीक है। ये एक एंट्रोपोस्टेरियर व्यू दिखाई दे रहा है और इसमें एक इलोंगेटेड बोन है जिसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसका एंट्रोपोस्टेरियर व्यू लिया गया है, लेकिन पोस्ट्रो एंटेरियर व्यू ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, क्योंकि क्लेविकल वुड बी विल बी क्लोज हो जाएगा, वो एक्सरे कैसेट से ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, तो हम इसको देख सकते हैं। क्लेविकल का जो एक सरफेस जो है उठा होता है और एक सरफेस में थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है, तो ये दोनों के बीचों बीच से जो है ना फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पर से फ्रैक्चर होता है, यानी कि शाफ्ट के पास से बड़ा कॉमन फ्रैक्चर है। दूसरा जो है यहाँ पर जो क्लेविकल है इसका ये जो है एक्रोमियोनल एंड कहलाता है, ये एक्रोमियोन प्रोसेस से अलग हो जाता है, या ये वाला एंड में लैटरल साइड से तो चोट लगने ट्रॉमा से टूट सकता है, तो उसको देखा जा सकता है। यहाँ पर से जो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट है जहाँ पर मैन्यूब्रियम स्टर्नी से ये जुटता है, तो ये डिसलोकेट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को अंकलन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग इसके व्यूज़ को देखते हैं।